जय हिंद गाइस। आप लोग कमेंट कर रहे थे जो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो भर्ती निकली हुई थी 2020 जनवरी में, जिसका ऑनलाइन आवेदन हुआ था। साथियों, आप लोग उस पर जब वीडियो बनाया तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एक बार आप करके दिखा दीजिए कि आपको वेरीफाई कैसे करना है, जो आपका फॉर्म वेरीफाई करना है। जैसे कि आप जानते हैं 14 तारीख के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है, उससे पहले आप लोगों को अपना जो फॉर्म है वो वेरीफाई करना है। तो साथियों, मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया, आप आगे की वीडियो में देख पाएंगे। मैंने साथियों मोबाइल से ही कर लिया है वेरीफाई, इसलिए आप लोग अगर चाहेंगे तो मोबाइल से ही वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पूरे आप किस तरीके से लॉग इन करेंगे, कैसे क्या रहेगा, सारा कुछ प्रोसेस आपको आगे के वीडियो में दिखाने वाला हूँ साथियों। तो आप लोग वीडियो जाके देख लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और हाँ साथियों, जो साथी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको जानकारी वाली लगी कि तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है सर। सबसे पहले आपको गूगल सर्च बार में जाके आपको टाइप करना है APSSB। जब आप APSSB टाइप करते हैं तो कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आता है। जब ये पेज खुल जाए तो आपको इस वाले जो APSSB वाला पेज है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब सिंपली से आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल से करने के लिए आप सबसे पहले इस पेज को डेस्कटॉप साइट में कर लीजिए, जिससे कि आपको ये कंप्यूटर की तरह आपका पेज खुल जाए, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो आपको अब यहाँ पे बहुत सारे साथियों को ये नहीं मिल पा रहा है कि लॉगिन कहाँ से करना है, तो मैं आपको बताता देता हूँ। जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू पोस्ट एडवर्टाइज बिफोर द ईयर 2020, यहाँ पे आपको जब क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का पेज खुल जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको लिखा मिल रहा है कि हाँ लॉगिन और रजिस्टर नाउ। तो साथियों, अगर रजिस्टर नाउ करते हैं तो वही साथी रजिस्टर कर पाएंगे जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। और लॉगिन करना है आपको तो ऊपर वाले जो लॉगिन वाला पेज है यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये लॉगिन आईडी मांगेगा। लॉगिन आईडी में आपको अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड दिया गया था वो टाइप करना है। तो सिंपली से मैं अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ और पासवर्ड डाल के, फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद जो ये वाला कैप्चा दिया गया है, इस वाले लाइन में आपको डाल के इस लॉगिन वाले पेज पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये मैं नहीं दिखा सकता साथियों, क्योंकि ये गूगल उसके यूट्यूब के खिलाफ है, इसलिए मैं इसको नहीं दिखा सकता हूँ। मैं लॉगिन अब यहीं से करता हूँ, उसके बाद आगे आपको फॉर्म दिखाता हूँ किस तरीके से आपको फिलअप करना है। अभी साथियों, मैंने अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा भी डाल दिया। अब इस लॉगिन वाले बटन पर जब क्लिक करता हूँ तो आपको सीधे लॉगिन हो जाएगा। देख सकते हैं आप, लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, लिखा हुआ मिलेगा कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, मतलब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट है। जबकि आपने जब फॉर्म भरा हुआ था 2 वर्ष पहले तो आपने पूरे तरीके से कंप्लीट भरा हुआ, बट ये वेरीफाई करा है, इसका मतलब अभी आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तो ये कम्प्लीट दिखाई देगा, ठीक है। अभी मैं कम्प्लीट करने के लिए बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो दिया गया है ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ जो ये वाला तीर बना है नीचे को, जो एरो बना हुआ है नीचे को, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो दिखाई देगा आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोड फी पेमेंट, उसके नीचे दिखा रहा है कि आपने 150 रुपये फी पेमेंट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है क्लिक हेयर टू वेरीफाई। अब आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। और साथियों, मैं बता दूँ आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है कि नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नाम राहुल यादव दिखा रहा है, तो इस तरीके से आपको भी करना है। आपका नाम वहीं पे दिखाई पड़ेगा जहाँ पे मैंने ये गोला बना दिया है। उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू वेरीफाई पर सीधे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि हाँ आपका जो नाम है, आपके पिता का नाम है, सारा कुछ आपका डिटेल खुल गया है, ठीक है। इसमें आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से फॉर्म फिल कर दीजिएगा, कोई भी गलती नहीं करिएगा, क्योंकि ये वेरीफाई वाला फॉर्म है। उसके बाद जब ये फॉर्म आप फिलअप कर देते हैं तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर जब क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा आपका जो ये पेज है, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से क्वालिफिकेशन खुलेगा, आप क्वालिफिकेशन भर देंगे। मैंने अपना हाई स्कूल का भरना, अगर देखिए साथियों, अगर आप हेड कांस्टेबल टेलीकॉम में भरे हुए हैं इस तरीके से, तो उसमें हाई स्कूल को आपका भरना है। हाई स्कूल का मैंने भर दिया, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये दोनों आपको अगर यस है तो यस या फिर नो है तो नो करके फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन मांगेगा, आपको डिक्लेरेशन जरूर दे देना है। यहाँ पे आपको पढ़ लेना है क्या लिखा गया है, उसके बाद आप इस वाले जो टिक है उस पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है।
जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं इस तरीके से, तो आपको अपना लेटेस्ट जो फोटो है वो और जो लेटेस्ट सिग्नेचर है वो दोनों आपको फिर से भर देना है यहाँ पे। मतलब आपको सेलेक्ट करना होगा जाके फाइल में, उसके बाद आप सेल्फ सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है साथियों, तो आपका जो ये फॉर्म है वो कम्प्लीट हो जाएगा। अभी मैं लगा के दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही लगा दिया है। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरी फ़ोटो लग गई है और यहाँ पे मेरा सिग्नेचर लग गया, मैंने मोबाइल से ही कर दिया है। उसके बाद आपको फिर से लास्ट में ये सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, आर यू श्योर पूछेगा, कहने का मतलब ये पूछेगा आफ्टर क्लिक ऑन सबमिट दिस विल बी योर फाइनल सबमिट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। कहने का मतलब है अगर आपने सही सही भर दिया है तो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, अगर आपको शंका है तो आप ये प्रीव्यू एंड एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको पूरी तरीके से दिखाई देने लगा है कि जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। साथियों यही है वेरीफाई, इतना ही करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आप ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका जो फॉर्म रहेगा वो पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जब यहाँ पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रिंट एप्लीकेशन, कहने का मतलब है आप अपना एप्लीकेशन का एक बार प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये आप जब फिजिकल देने जाएंगे तो आपको इसकी आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो ये जाके आपके ड्राइव में सेव हो गया है। यहाँ पे आप अपना सब कुछ चेक कर सकते हैं क्या आपने भरा हुआ है।